प्रेरक शब्द आज का विषय है विवाह की वर्षगांठ या शादी की सालगिरह। देवी और सज्जनों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में कुछ बातें करेंगे जो हर एक के जीवन में आता है, पर शुरू शुरू में यह विषय जितना आनंद देता है और जितनी खुशी देता है वो शायद वर्ष बीतने के साथ हर वर्ष ही घटती जाती है। जी हाँ, आज का विषय है विवाह की वर्षगांठ या शादी की सालगिरह। एक साधारण गुलाब के बारे में सोचो, अपनी सादगी में यह खिलता है और सुंदरता फैलाता है। आपका रिश्ता उस गुलाब की तरह पंखुड़ी दर पंखुड़ी खिल रहा है। हर साल आपके साझा जीवन में स्मृति और रंग की एक परत जोड़ रहा है। जिस तरह एक किताब अध्याय दर अध्याय खुलती जाती है, आपकी एक साथ यात्रा हंसी आंसुओं और अनगिनत साझा अनुभवों में लिखी गई है। प्रत्येक पृष्ठ लचीलेपन और विकास की एक कहानी बताता है। हमें याद दिलाता है कि वर्षगांठ केवल वर्षों की गिनती के बारे में नहीं, बल्कि उन अध्यायों को संजोने के बारे में है जो आपने एक साथ लिखे हैं। एक पेड़ पर विचार करें, या एक पौधे के रूप में शुरू होता है जो परिवर्तन की हवाओं के प्रति संवेदनशील होता है, फिर भी समय के साथ यह अपनी जड़ें मजबूती से जमा लेता है और तूफानों के बावजूद भी मजबूती से खड़ा रहता है। आपका रिश्ता उस पेड़ की तरह है जिसने तूफानों का सामना किया है, प्रत्येक चुनौती के साथ मजबूत हुआ है और आपके द्वारा पोषित प्रतिबद्धता और प्यार की जड़ों के कारण आज भी खड़ा है। एक सुव्यवस्थित नृत्य के बारे में सोचो, इसके लिए सामंजस्य लय और समन्वय की आवश्यकता होती है। एक जोड़े के रूप में आपकी यात्रा एक खूबसूरत नृत्य की तरह है, जहां आपके कदम हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन नृत्य स्वयं एकता समझ और जीवन की लय के माध्यम से एक साथ चलने की खुशी का उत्सव है। जिस तरह एक पहलू के टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं, उसी तरह आपकी साझेदारी साझा सपनों समझौतों और आपसी सहयोग की एक पक्षकारी है। हर सालगिरह इस बात की सराहना करने का मौका है कि कैसे आपके अनूठे टुकड़े एक साथ आकर एक सुंदर और संपूर्ण तस्वीर बनाते हैं। अंत में आइए आज एक अनुस्मारक बने कि आपकी प्रतिबद्धता की सादगी गुलाब किताब पेड़ नृत्य और पहेली के उदाहरणों की तरह आपकी यात्रा को असाधारण बनाती है। सालगिरह मुबारक हो, और अभी लिखे जाने वाले अध्याय उन अध्यायों से भी अधिक सुंदर हैं जो पहले आ चुके हैं। बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।